In an attempt to enforce discipline among a student, a teacher has allegedly cut a lock of hair of the student during prayer time, which in turn has resulted in the shocked student refusing to go to school now. The incident took place in St. Paul's School of Karnataka's Hubli city. The student's father said that his son came home with a part of his hair cut and in a state of shock. He told me that his teacher had cut the hair in the presence of all the other students. He added that now he is in a state of shock and is refusing to go to school. कल एज यूजुअल जो रोज जाता है ऐसा स्कूल को गया था. शाम को जब आया उसका आधा हेयर निकाला हुआ था. क्या हुआ कुछ क्या तो बच्चा किया होगा ऐसा समझा था. समझ के इसको बार्बर शॉप लेके गया. वो एडजस्टमेंट करने के लिए देखा मैं उधर. एडजस्टमेंट नहीं हुआ पूरा निकालना ही पड़ेगा करके वो भी बोला. अच्छा तो निकाल दो बोला मैं. बाद में वो निकालने के बाद वो पूरा बाल गया था ना वो देख के. अभी मैं स्कूल को ही नहीं जाऊंगा. मैं इसको स्कूल पढ़ना ही नहीं है ऐसा ऐसा बोल के घर में बैठा है. किस लिए निकाला था स्कूल में वो बाल ज़्यादा है करके निकाले बोल रहे. मैं 10 दिन पीछे इसका कटिंग किया था. 10 दिन पीछे इसका कटिंग किया था मैं. अभी ये आके बोला मुझे टीचर कटिंग करने के लिए बोल रहे घर को. अच्छा अगले 4 दिन बाद एक फंक्शन है होने के बाद कटिंग कर लेंगे. इसको बोल के भेजा था मैं ऐसा बोले पूछे तो बोलो करके. फिर भी वो निकाल के जबरदस्ती निकाल के भेज दिया. आगे क्या करने का सोच रहे हैं? क्या करने का नहीं वो उसका मन को क्या बीतेगा वो लोग जानना चाहिए. अगर बच्चा नॉटी है तो टीचर लोगों को सुधारना चाहिए. वो नॉटी है इसलिए उसको पनिशमेंट और देंगे. एक को भी ये फर्स्ट टाइम है हमारे लाइफ में भी फर्स्ट टाइम है. दूसरे बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए बस.